हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्सिट ट्यूब। एक्सिट ट्यूब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में एक्सिट ट्यूब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो दिए गए हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप रेडियोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई यूज़फुल बुक सर्च कर रहे हो तो मैंने कई सारी यूज़फुल बुक्स का जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाके बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉक्सिंग कप इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी कार्बन फाइबर, ऑप्शन डी पायरेक्स ग्लास। क्वेश्चन में पूछा गया है जो फॉक्सिंग कप होता है एक्सिट ट्यूब में वो किस चीज़ का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी निकल। जो फॉक्सिंग कप होता है वो निकल का बना होता है। ये इमेज है फॉक्सिंग कप की और इसमें जो स्प्रिंग टाइप के लगे हुए हैं ये फिलामेंट होते हैं जो कि हीट अप होने पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। फॉक्सिंग कप में 2 तरह के फिलामेंट लगे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो कि लार्ज और स्मॉल फोकल स्पॉट क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए फिलामेंट स्पॉट, ऑप्शन बी फॉक्सिंग कप, ऑप्शन सी फोकल स्पॉट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है वो पॉइंट जहां पर जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन से वो स्ट्राइक करते हैं टारगेट को, उसको क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पर फिलामेंट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टारगेट को हिट करते हैं और एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, तो उस स्पॉट को फोकल स्पॉट बोला जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है जहां पर, उस पॉइंट को फोकल स्पॉट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? ऑप्शन ए हाउसिंग कूलिंग चार्ट, ऑप्शन बी एनोड कूलिंग चार्ट, ऑप्शन सी रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सिट ट्यूब रेटिंग चार्ट में से कौन सा जो चार्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट। ये इमेज है एक्सिट ट्यूब रेटिंग चार्ट की, इसमें बताया गया है केवीपी और एमएस का रिलेशनशिप दिया गया है एक कर्व के रूप में, और इसमें बताया गया है कौन सा केवीपी और कौन सा एमएस का जो सिलेक्शन है वो एक्सिट ट्यूब के लिए सेफ होता है और कौन सा अनसेफ होता है। तो इस ट्यूब चार्ट के अकॉर्डिंग हम केवीपी और एमएस का सिलेक्शन करते हैं और एक्सिट ट्यूब की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत रेडियोग्राफिक फैक्टर चुनते हैं तो वो एक्सिट ट्यूब के लिए हार्मफुल होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सिट ट्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ। ऑप्शन ए कैपेसिटर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी डायोड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन में पूछा गया जो एक्सिट ट्यूब होती है स्पेशल टाइप की क्या होती है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी डायोड। एक्सिट ट्यूब एक तरह का स्पेशल डायोड होता है क्योंकि इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है, तो इसलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ डायोड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? ऑप्शन ए 3400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4400 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछे क्या है जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 3400 डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन होता है एक्सिट ट्यूब में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू टंगस्टन फिलामेंट टू एनहांस थर्मायोनिक एमिशन एंड ट्यूब लाइफ? ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी यूरोपियम, ऑप्शन डी थोरियम। क्वेश्चन में पूछा गया है टंगस्टन फिलामेंट में वो क्या ऐड किया जाता है टू एनहांस थर्मायोनिक एमिशन एंड ट्यूब लाइफ। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी थोरियम। टंगस्टन फिलामेंट में 1 से 2% की क्वांटिटी में थोरियम को ऐड किया जाता है ट्यूब लाइफ को बढ़ाने के लिए और थर्मायोनिक एमिशन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ एक्सट्रीमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल स्पॉट शुड बी चूजन? ऑप्शन ए एक्स्ट्रा लार्ज, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन सी स्मॉल, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया एक्सट्रीमिटी के एक्सरे एग्जामिनेशंस के लिए कौन सा फोकल स्पॉट चूज किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मॉल। स्मॉल फोकल स्पॉट चूज किया जाता है एक्सट्रीमिटीज के लिए, और जो थिक पार्ट होते हैं बॉडी के उसके लिए हम लार्ज फोकल स्पॉट का सिलेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फिलामेंट रिसीव्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो फिलामेंट होता है X2 का, वो उसको किससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। X2 का जो फिलामेंट होता है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मिलती है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये इमेज है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एक्सरे इंटेंसिटी ऑन द एनोड साइड? ऑप्शन ए हिल इफेक्ट, ऑप्शन बी स्पेस चार्ज इफेक्ट, ऑप्शन सी थर्मोआयनिक एमिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से एनोड साइड पर जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हिल इफेक्ट। हिल इफेक्ट की वजह से जो एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड साइड ज़्यादा होती है और एनोड साइड कम होती है, इसीलिए हमें एक्सरे करते हुए ध्यान रखना चाहिए जो थिकर पार्ट होता है उस तरफ कैथोड की पोजीशन होनी चाहिए और जो थिनर पार्ट होता है उस तरफ एनोड की पोजीशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन मैमोग्राफी टारगेट इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी रोडियम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन पूछा गया है मैमोग्राफी में जो टारगेट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। मैमोग्राफी में जो टारगेट होता है वो मोलिब्डेनम और रोडियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, टू गेट बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन the size of the focal spot chosen should be? option A small, option B large, option C both have same results, option D does not depend on size. तो क्वेश्चन में पूछा गया है बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए जो फोकल स्पॉट होता है वो कौन सा चूज किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल। स्मॉल फोकल स्पॉट जब हम चूज करते हैं तो हमें बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, Which part of the X-ray tube controls the size of X-ray field to reduce dose and scatter? Option A focusing cup, option B target, option C transformer, option D collimator. क्वेश्चन में पूछा गया है वो X-ray tube का वो कौन सा पार्ट है जो कि X-ray field size को कंट्रोल करता है to reduce dose and scatter. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलीमीटर। कोलीमीटर X-ray field size को कंट्रोल करता है to reduce dose and scatter. एक्सरे ट्यूब के कोलीमीटर का यूज़ करके हम फील्ड साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो पेशेंट डोज है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर फील्ड साइज छोटा होता है तो स्कैटरिंग भी कम होती है, तो हम इसके हिसाब से स्कैटरिंग भी कम कर सकते हैं। ये इमेज है एक्सरे कोलीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेशनशिप ऑफ द एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए थर्मोआयनिक एमिशन, ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक एमिशन, ऑप्शन सी स्पेस चार्ज, ऑप्शन डी लाइन फोकस प्रिंसिपल। क्वेश्चन में पूछा क्या है एक्चुअल और इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइन फोकस प्रिंसिपल। एक्चुअल और इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज के रिलेशनशिप को लाइन फोकस प्रिंसिपल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, The focusing cup of the X-ray tube have which of the following type of charge? Option A negative, option B positive, option C neutral, option D depends on its size and shape. क्वेश्चन ने पूछा गया X-ray tube में जो focusing cup होता है उस पर किस टाइप का चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए नेगेटिव। फोकसिंग कप का जो चार्ज होता है नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि फोकसिंग कप में फिलामेंट होता है और फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी एनोड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरे ट्यूब में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी एनोड। एक्चुअली जो मुझे एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए MA, ऑप्शन बी MAS, ऑप्शन सी KVP, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है जो एक्सरे बीम की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी KVP। तो KVP से ये डिटरमाइन होता है कि जो पेनिट्रेशन पावर एक्सरे बीम की वो कितनी होगी। जितना ज़्यादा KVP होगा उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी एक्सरे बीम की। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स वाया थर्मो आयनिक एमिशन? ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी स्टेम ऑफ एनोड, ऑप्शन सी रोटर, ऑप्शन डी टारगेट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरे ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वाया थर्मो आयनिक एमिशन के। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए फिलामेंट। फिलामेंट से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वाया थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन उस प्रोसेस को बोला जाता है जब फिलामेंट हीटअप होके इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को थर्मो आयनिक एमिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कूलिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज अचीव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? ऑप्शन ए ऑयल बाथ, ऑप्शन बी कूलिंग फैन, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन में पूछा क्या है जो एक्सरे ट्यूब की कूलिंग होती है वो किस मेथड के थ्रू की जाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑयल बाथ और कूलिंग फैन का यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब को कूल रखने के लिए। आपने एक्सरे ट्यूब में देखा होगा एक छोटा सा फैन लगा होता है, उसको कूलिंग फैन बोला जाता है, जो कि एक्सरे ट्यूब को ठंडा करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब बिकम्स हाईली नेगेटिव ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी रोटर, ऑप्शन डी स्टेटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एक्सरे ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो हाईली नेगेटिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कैथोड। वैसे तो कैथोड एक्सरे ट्यूब का एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे जो फिलामेंट होता है वो काफ़ी हीटअप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर जो कैथोड होता है वो हाईली नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द रेडिएशन? ऑप्शन ए MA, ऑप्शन बी KVP, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन डिटरमाइन करता है क्वांटिटी ऑफ द रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए MA। MA डिटरमाइन करता है क्वांटिटी ऑफ द रेडिएशन। जितना ज़्यादा MA होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी होगा रेडिएशन का। दूसरी तरफ जो KVP है वो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन या पावर ऑफ द रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच सपोर्ट सिस्टम इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सूट्स? ऑप्शन ए सीलिंग सपोर्ट, ऑप्शन बी सी आर्म सपोर्ट, ऑप्शन सी फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सूट्स में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी सी आर्म सपोर्ट। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो सपोर्ट सिस्टम होता है एक्सरे ट्यूब का वो सी आर्म होता है। इसको सी आर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के C की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड हेल्प्स मिनिमाइज द लीकेज रेडिएशन? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ऑप्शन बी इंटरनल कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी सीलिंग सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछे गए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है और मिनिमाइज करता है लीकेज रेडिएशन को। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव हाउसिंग। एक्सरे ट्यूब का प्रोटेक्टिव हाउसिंग ग्लास का बना होता है, ये लीकेज रेडिएशन को कम करता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रेट ऑफ स्पिन ऑफ एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए 200 टू 2000 RPM, ऑप्शन बी 2400 टू 3000 RPM, ऑप्शन सी 1500 RPM ओनली, ऑप्शन डी 3400 टू 10000 RPM। क्वेश्चन पूछा गया है एक्स ट्यूब का जो एनोड होता है उसका रेट ऑफ स्पिन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी 3400 to 10000 RPM। एक्स ट्यूब में जो एनोड होता है उसकी जो रोटेशन स्पीड है वो 3400 से 10000 RPM के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्मॉल फोकल स्पॉट साइज इन जनरल रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए 0.1 to 1 mm, ऑप्शन बी 0.1 to 1 centimeter, ऑप्शन सी 0.1 to 1 meter, ऑप्शन डी 0.1 to 5 centimeter। क्वेश्चन पूछा गया है जनरल रेडियोग्राफी में स्मॉल फोकल स्पॉट्स का साइज कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.1 to 1 mm। जनरल रेडियोग्राफी में स्मॉल फोकल स्पॉट का जो साइज होता है उसका रेंज होता है 0.1 to 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई द स्टेम ऑफ द रोटेटिंग एनोड इज यूजुअली मेड ऑफ मॉलिब्डेनम। ऑप्शन ए ड्यू टू इट्स पुअर हीट कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी ड्यू टू इट्स गुड हीट कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी ड्यू टू इट्स लाइट वेट, ऑप्शन डी ड्यू टू इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टेम होता है रोटेटिंग एनोड का वो यूजुअली मॉलिब्डेनम का क्यों बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्यू टू इट्स पुअर हीट कंडक्टिविटी। मॉलिब्डेनम एक पुअर हीट कंडक्टर है, इसलिए जो स्टेम होता है रोटेटिंग एनोड का वो मॉलिब्डेनम का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इंप्रूव्स स्पेशल रिजोल्यूशन एंड हीट कैपेसिटी, ऑप्शन बी इंप्रूव्स स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली, ऑप्शन सी बेटर रेडियोग्राफिक डेंसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है लाइन फोकस प्रिंसिपल का एडवांटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्प्रूव्स स्पेशल रिजोल्यूशन एंड हीट कैपेसिटी। जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है वो हीट कैपेसिटी और स्पेशल रिजोल्यूशन को बेटर करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन एक्सरे एप्लीकेशंस थर्मल एनर्जी इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हीट यूनिट्स, ऑप्शन बी हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरे एप्लीकेशंस में जो थर्मल एनर्जी होती है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हीट यूनिट्स। हीट यूनिट का फॉर्मूला होता है kVp × MA × सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, the cathode of the X-ray tube consists of which of the following? Option A filament focusing cup, option B target and stem, option C target and rotor, option D protective housing and support। क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैथोड होता है एक्सरे ट्यूब का वो किस चीज़ का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। एक्सरे ट्यूब के जो कैथोड होता है इसमें दो चीज़ें होती है, फिलामेंट और फोकसिंग कप। इस इमेज में दिखाया गया है कैथोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जो कैथोड होता है वो फोकसिंग कप और फिलामेंट को मिलकर बनता है। जो फोकसिंग कप होता है उसके अंदर फिलामेंट की पोजीशन होती है और इन दोनों को मिलाकर ही कैथोड बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गुड एक्सरे ट्यूब। ऑप्शन ए स्टेशनरी एनोड, ऑप्शन बी रोटेटिंग एनोड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछा गया है किस तरह की एक्सरे ट्यूब को गुड माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है हीट को झेलने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि जो स्टेशनरी एनोड है वो इतनी ज़्यादा हीट को नहीं झेल पाता है, इसलिए रोटेटिंग एनोड बेटर होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में वो कैथोड है, जो राइट साइड में वो रोटेटिंग एनोड है। रोटेटिंग एनोड में हीट झेलने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जो ट्यूब लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है कंपेयर टू स्टेशनरी एनोड। क्वेश्चन नंबर 30, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज नियरली। ऑप्शन ए 10 वोल्ट, ऑप्शन बी 100 वोल्ट, ऑप्शन सी 10000 वोल्ट, ऑप्शन डी 10 to the power 6 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरे ट्यूब में जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो नियरली कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी 10000 वोल्ट। एक्सरे ट्यूब में जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो नियरली 10000 वोल्ट या 10 किलो वोल्ट होती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।